दोस्तों आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। अभी जो आप देख रहे हैं योगेश साहू की हिंदी जनरल की टॉपर आंसर शीट है। ये एग्ज़ाम 19/3/2019 को हुआ था और प्रश्न पत्र सेट सी है। ये इसमें उनके 75 में से 71 अंक आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पहला क्वेश्चन जो उन्होंने लिखा है उत्तर क्रमांक उसका अ पार्ट सॉल्व किया है और ब पार्ट भी सॉल्व किया है। इसमें से एक गलत हुआ है, आप देख रहे हैं नागार्जुन पहला ऑप्शन ही गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। आपको इनके क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। आप क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताइए, हमारी टीम आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल करा देगी, चाहे वो कोई भी सेट हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स पार्ट भी सॉल्व किया हुआ है और अच्छे तरह से सॉल्व किया हुआ है, अच्छी राइटिंग है और एग्जामिनर को चेक करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई होगी। इस पेज पे सभी क्वेश्चन जो आपके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सभी में 2-2 अंक दे दिए हैं। टोटल मिला के उन्होंने इस पेज तक 20 अंक हासिल कर लिए हैं, 20 मार्क्स उन्होंने हासिल कर लिए हैं। अच्छी राइटिंग होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं भी है तो इतना होना चाहिए कि जो एग्जामिनर पढ़े तो उसको समझ में आ जाए, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो आपको मार्क्स देने में। अब आप देखें यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है और उसमें भी पूरे पूरे अंक उनको 2 और 2 मिल चुके हैं और पिछले पेज के नंबर 20 थे और इस पेज के 4 नंबर मिला के 24 नंबर टोटल हो गए। यहाँ पर देखें आप क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 मार्क्स मिले हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में 3 मार्क्स मिले हैं, टोटल मिला के यहाँ पे हो गए हैं 5 मार्क्स और पिछले पेज के मिला के 24 मार्क्स, तो 29 मार्क्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने 3 मार्क्स दे दिए हैं, टोटल मिला के 32 मार्क्स हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने के बाद में एग्जामिनर इसके मार्क्स डिक्लेयर करेगा कि उसमें कितने नंबर मिलने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने के बाद एग्जामिनर ने इसमें भी 3 नंबर दे दिए हैं, रहस्यवाद की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं उसको बताने के बाद में, और क्वेश्चन नंबर 11 में 4 मार्क्स दे दिए हैं, तो टोटल मिला के 7 मार्क्स दे दिए हैं यहाँ पे। 32 और 7 39 मार्क्स इस पेज तक अपने योगेश साहू के हासिल हो चुके हैं। अच्छी राइटिंग है तो एग्जामिनर को मार्क्स देने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद देख रहे हैं आप बचा हुआ जो पार्ट है 12 नंबर क्वेश्चन का, वो यहाँ पे 4th, 5th और 6th पॉइंट लिखा हुआ है। इसके बाद में 13वें क्वेश्चन में 3 मार्क्स यहाँ पे फिर गेन किए हैं इन्होंने और 3 मार्क्स मिला करके 42 मार्क्स हो गए हैं। अब यहाँ पे आ जाइए 14वें नंबर पे। 14वें नंबर का क्वेश्चन बहुत, इन्होंने हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक लाइन खींच दी है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि वो क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो ये लिखने का तरीका होता है, इसीलिए बोर्ड की टॉपर की कॉपी आपको देखने से पता चल जाता है। अब आ जाइए उत्तर नंबर 15 पे। तो यहाँ पर व्याख्या करनी थी तो इन्होंने अपने शब्दों में अपने हिसाब से व्याख्या कर दी है और यहाँ पर व्याख्या करने से इनको मिल गए हैं 3 मार्क्स। आराम से आप पढ़ लें वीडियो को और वीडियो को हमेशा HD में देखें। HD में देखने का मैं तरीका कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आपके जो वीडियो देख रहे हैं इसको पॉज करिए, पॉज करते ही देखेंगे आपको राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ छोटे छोटे 3 डॉट दिखेंगे, उस डॉट पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको एक नया विंडो खुलेगा, उस पर क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। क्वालिटी में 480p सेलेक्ट करेंगे या 360p सेलेक्ट करें तो आपको वीडियो साफ दिखाई देगी। पिछले क्वेश्चन में प्रार्थना पत्र लिखा था तो बिल्कुल सही लिखा है और अच्छी तरह से लिखा है। अब आंसर नंबर 17 में साहित्य के बारे में लिखना था, साहित्य क्या है और साहित्य का मानव जीवन में क्या क्या मतलब योगदान है और क्या असर पड़ता है, तो उसके कुछ प्रमुख बिंदु थे तो यहाँ पे लिख दिए गए हैं और 5 बिंदु के 5 नंबर यहाँ पे मिल चुके हैं। अब उत्तर नंबर 18 में देखें तो कंप्यूटर आज की आवश्यकता पे निबंध लिखना था, तो निबंध लिखने की रूपरेखा बहुत ज़रूरी होती है। रूपरेखा हमेशा लिखिए निबंध में, प्रस्तावना, उसके बाद उसका जो है कार्य है, इतिहास हो, प्रयोग हो, हानियां हो, निष्कर्ष हो और उपसंहार सबसे लास्ट में। प्रस्तावना में आपको उसकी जो भी है डिटेल्स लिखनी पड़ती है कि क्या चीज़ है, कैसे है। उसके बाद में अर्थ लिखना है आपको, बहुत कुछ है चीज़ें जो आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का अर्थ लिखा हुआ था, फिर उसके बाद में
नेक्स्ट पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ था। अब कंप्यूटर का प्रयोग लिख दिए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, आरक्षण के क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, सभी जगह पे हम जो है कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखें औषधि के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, प्रकाशन के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया कंप्यूटर की हानियाँ क्या हैं, तो ये हैं सब हानियाँ। और उसके बाद में स्वास्थ्य और बेरोजगारी में भी कंप्यूटर का जो योगदान है वो भी यहाँ पर जो हानियों के रूप में है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन किया, इसीलिए अच्छे मार्क्स गेन किए इन्होंने। दुरुपयोग, निष्कर्ष और उपसंहार सारे लिख दिए इन्होंने, और सभी को मिला करके इनके अब तक 67 मार्क्स आ चुके हैं। अब उत्तर नंबर 12 जो है, इसमें आदिवासी जीवन के चार गुण लिखने थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये 2019 के जो सोल्यूशन स्टूडेंट चाहते हैं उनके लिए भी ये है। तो टोटल आ गए हैं इनके 71 मार्क्स। और इस चैनल के जो वीडियोस हैं वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल बने रहेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि दूसरे स्टूडेंट तक पहुंच पाए, वो लोग भी इस चैनल का बेनिफिट उठा पाएँ। और आप लोग हमेशा इस चैनल के साथ बने रहें, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट के ज़रिए हमें सूचित कर सकते हैं। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।